बिहार विकास मिशन द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षकों ने आज रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में बैठक रखी। पिछले 6 माह से केंद्र बंद होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता नहीं की जा रही है, इसलिए सारे प्रशिक्षकों की हालत बदतर हो गई है। वह बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमांशु यादव ने बताया कि प्रशिक्षक अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखने का काम कर रहे हैं। रोहित ओझा की रिपोर्ट, CNB न्यूज, बक्सर। प्रशिक्षक हैं जो पिछले 4 साल से अपनी मेहनत के बदौलत लगभग 11 लाख छात्रों को प्रशिक्षण देने का काम किए हैं, 11 लाख छात्रों का भविष्य संवार दिए हैं। बिहार सरकार का यह महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत सारे प्रशिक्षकों ने 4 साल तक कंटिन्यू मेहनत करते आए, लेकिन इस महामारी में सरकार ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्हें घरों पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें एक भी रुपया आर्थिक मदद के रूप में नहीं मिली। इस वजह से हम लोगों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर आज एक बैठक रखी। इस बैठक में सारे लोगों की सहमति से यह बात सामने आई कि हमें मुख्यमंत्री को अपनी परेशानियों से अवगत कराने के लिए एक चिट्ठी लिखी जाएगी। मुख्य मांगे क्या थी आप लोगों की? मुख्य मांगे हमारी यही हैं कि जो बिहार सरकार के अधीन यह कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में जितने भी प्रशिक्षक हैं उनको अस्थाई दर्जा दें, उन्हें उनका जो वेतन है वो खुद दें। केंद्र संचालकों के हाथ में वेतन का जो देने का प्रावधान है उसको बदलें और वो खुद डायरेक्ट उनके अकाउंट में वेतन देने का काम करें। आप लोगों का वेतन मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। पिछले 6 महीने से लॉकडाउन के चलते केंद्र संचालकों के द्वारा जो वेतन मिलता था पढ़ाते वक्त, वो वेतन बंद है। एक भी रुपया किसी भी प्रकार का हमें नहीं मिला है। इससे पहले भी आप लोगों ने कोई पत्र दिया है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार ज्ञापन सौंपने का काम किया है, कई सारे मंत्रियों से मिलने का काम किया है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अधिकारियों से मिलने का काम किया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमें अब नीतीश कुमार जी को अवगत कराने के लिए हमने आज से चिट्ठियाँ लिखना चालू की है। पूरे बिहार में आपको बता दें लगभग 9 से 10 हज़ार प्रशिक्षकों की संख्या है जो अभी वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। वो सर्टिफाइड हैं, ग्रेजुएशन करके वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ वो मन लगाकर छात्रों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम हिमांशु यादव है, कुशल युवा कार्यक्रम संघ बक्सर।